दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप किस तरह ऑनलाइन अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, उस वेबसाइट से आप किसी भी स्टेट के अगर हैं तो अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी स्टेट से हैं तो अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, और अपने डीलर का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, और अपना डीलर का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वो भी आप ऑनलाइन जान सकते हैं। पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक वेबसाइट के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जहां से आप किसी भी स्टेट का राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड की डिटेल निकाल सकते हैं, न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अपने डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जहाँ से आप फूड के बारे में, मतलब राशन कार्ड की जानकारी, पूरी चीज़ आप यहाँ से इस वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ पाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन आप शिकायत कर सकते हैं किसी भी प्रकार का राशन कार्ड रिलेटेड हो, या आप उसका स्टेटस भी आप यहीं से ऑनलाइन चेक कर, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उनसे भी कॉल पे भी आप कंप्लेन, किसी प्रकार का कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको मिल जाते कुछ ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना टोटल FPR एंड ऑपरेटर देखने का, मतलब आपके स्टेट में कितना कार्ड वगैरह है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिला राशन कार्ड, राशन कार्ड व्यू, राशन कार्ड डैशबोर्ड। तो यहाँ पे व्यू राशन कार्ड डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके स्टेट में कितना राशन कार्ड है, कितना बेनिफिशरी, कितने में आधार कार्ड लिंक है, कितने में लिंक नहीं है, कितने फैमिली में बैंक अकाउंट जुड़ा है, वो सब, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फिर से यहीं पाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, तो यहाँ पे आपको पूरे स्टेट का नाम आ जाएंगे, जो भी आपका स्टेट हो उस स्टेट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूरी स्टेट की लिस्ट देगी, जो भी आपका स्टेट हो उस स्टेट पे आपको क्लिक करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिल्ली पे क्लिक करूँ, जैसे मैं दिल्ली पे क्लिक करूँ, नया टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप दिल्ली के जो कार्ड डिटेल वो आप यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्किल होगा सर्च पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा कौन सा सर्किल में कितना कार्ड है, कौन सा कार्ड है, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर AY कार्ड है तो कितना AY कार्ड है वो यहाँ पे मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको शॉप डिटेल और राशन कार्ड नंबर, सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। इस राशन कार्ड में कितना फैमिली है वो सब आपको दिखने को मिलेगा। किसी एक स्टेट के बारे में जानकारी चाहिए, मतलब कैसे राशन कार्ड डाउनलोड कर से या अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से आपके स्टेट के लिए बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में, एक ही वीडियो में सभी स्टेट का बताना संभव नहीं है। इसी तरह आप किसी भी स्टेट का राशन कार्ड डिटेल निकाल सकते हैं, फिर इसी राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड। जैसे अब अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तक इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे हेयर है, क्लिक हेयर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे, सभी स्टेट यहाँ पे शो कर जाएंगे, जो भी आपका स्टेट होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिल्ली स्टेट पर क्लिक करते हैं, तो ये दिल्ली की वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहाँ से आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अलग से हर एक स्टेट के लिए वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से हर स्टेट का आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप दिल्ली से, तो यहाँ पे ई राशन कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से अपना गेट ई राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अब अलग अलग स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिस स्टेट से उस स्टेट पे आप वो क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे उस स्टेट पे जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा होगा उस पे आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको एक मिल जाता है तीसरा ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते किस स्टेट में एक कार्डधारी को कितना राशन दिया जाता है, और उसमें कितना चावल, कितना गेहूँ दिया जाता है, और कितना प्राइज लिया जाता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस ऑप्शन से। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया सिटीजन कॉर्नर, सिटीजन कॉर्नर पाएंगे, यहाँ से अपने सिटीजन के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है।
फिर इसी सिटीजन कॉर्नर पाएंगे, यहाँ पे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इन स्टेट, किस स्टेट में राशन कार्ड का कंप्लेन के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। और अपने डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के लिए आपको इस पे आना होगा पीडीएस पे, उसके बाद यहाँ पे पीडीएस वाले ऑप्शन पाएगा, उसके बाद इन स्टेट इन सेंट्रल, तो आपको इन स्टेट पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आप इन स्टेट पे क्लिक करेंगे फिर से आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है। सबसे नीचे आपको मिलेगा एफपीएफ डिटेल, एफपीएस डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट पूछेगा, जो भी आपका स्टेट हो स्टेट पे क्लिक करेंगे तो एक उस स्टेट की वेबसाइट पे आपको ये कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो अपना डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका ब्लॉक होगा वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, एफपीएस शॉप नेम और उसका लाइसेंस, डीलर का लाइसेंस नंबर और उसका जो एड्रेस वो मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे आपका जो डीलर होगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस तहसील में जितने भी डीलर सभी का यहाँ पे पीडीएस नेम दिया गया, लाइसेंस नंबर, पूरा एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया, और डिपोजिट अकाउंट वगैरह जो वो आपको यहाँ पे दिया गया, और उसका अभी जो एक्टिवेट है मतलब उसका अभी कोटा जो मतलब डीलर है वो एक्टिवेट है, और इस डीलर के अंदर कितने कार्ड है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। इस तरह अपने डीलर का लाइसेंस नंबर, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, इस डीलर के अंदर कितने कार्ड है वो सारा चीज़ और उनके स्टेटस को सारी चीज़ आप जान सकते हैं। साथ साथ अपने तहसील में आपके तहसील में कितने डीलर वो मिल जाएंगे और आपके तहसील में कितने कार्डधारी है वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, किस वेबसाइट से करेंगे, किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी चीज़ जानकारी आप इस वीडियो की मदद से निकाल पाए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी एक स्टेट के लिए आपको वीडियो चाहिए राशन कार्ड डाउनलोड के लिए, राशन कार्ड अप्लाई के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके मदद से, आपकी हेल्प से हम एक न्यू वीडियो आपको दे सकते हैं।